नमस्कार, दर्श न्यूज के इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। इस सेगमेंट में हम सरकारी नौकरी से जुड़ी खबर लाते हैं, उससे जुड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं। मेरा नाम है दिव्यांशु। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी MHA के तहत इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB ने MHA, IB और MTS भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसमें आवेदन करने के लिए सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 13 नवंबर 2023 है। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट MHA.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और यहीं पर आपको पूरा भर्ती नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, इसीलिए पूरा भर्ती नोटिफिकेशन भी यहां आप देख सकते हैं। भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट और मल्टीटास्किंग स्टाफ पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पदों की संख्या आपको बता देते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट में 362 पद हैं, वहीं मल्टीटास्किंग स्टाफ में 315 पद हैं। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा। जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं पास होने चाहिए। इसके अलावा सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए आयु सीमा 27 वर्ष से कम होनी चाहिए और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए उम्र 18 वर्ष से 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए पूरा भर्ती नोटिफिकेशन जरूर देखें। आवेदन फीस। परीक्षा के लिए एग्जामिनेशन फीस ₹50 है और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज ₹450 है। फीस का भुगतान आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, SBI चालान और अन्य माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया। इन सभी पदों के लिए चयन परीक्षा के माध्यम से होगी, जिसमें Tier 1 जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी और Tier 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप परीक्षा होगी। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए लोकल लैंग्वेज परीक्षा और इंटरव्यू का राउंड शामिल है। कैसे करें आवेदन? सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट MHA.gov.in पर जाएं। होम पेज पर IB रिक्रूटमेंट 2023 लिंक पर क्लिक करें। अपना नाम, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसी जानकारी सबमिट कर खुद को रजिस्टर करें। अब आवेदन फॉर्म आपके सामने होगा। निर्देशों को फॉलो करते हुए आवेदन फॉर्म भरना शुरू करें। जब आप आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी और जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट कर लें, उसके बाद आवेदन फीस का भुगतान करें। अब आवेदन फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार उसे अच्छे से चेक कर लें, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद उसमें सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। आवेदन फॉर्म सबमिट होने के बाद आप फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें। विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट MHA.gov.in पर जाएं। दर्श न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।